नैन्सी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स तो इतनी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग है कि आपको, मतलब अगर सुन रहे हो मुझे तभी याद हो जाएगी, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अटेंटिवली लेक्चर्स अटेंड करेंगे, आई कैन बेट दैट, ठीक है। चलो, और इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं सारी एनसीईआरटी की लाइनें इसमें पढ़ाऊं आपको। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना भी एनालिसिस लगा सकते हो, अपना भी दिमाग लगा सकते हो। कैसे? चलो, चैप्टर का जो टाइटल है उससे डिस्कशन शुरू करेंगे, एंड दैट इज डेवलपमेंट। अब मुझे आप ये सोचिए और कमेंट करिए, डेफिनेटली सारे बच्चे कमेंट करेंगे, डेवलपमेंट आपके लिए क्या है? मतलब एज अ स्टूडेंट, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मैं आज यहां हूं, मतलब अपने शहर में हूं, कल मैं कहीं किसी बड़े शहर में चली जाऊं, हो सकता है भाई। किसी, हर एक की अपनी एक परिभाषा होती है। कोई कहेगा कि उससे आप पूछे, मैं आपसे पूछूं आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो आप कहोगे अगर मेरे 95 नंबर आ जाए या मेरे 99% आ जाए मैम, वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। आप अपने फादर से पूछो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, क्या है उनके लिए डेवलपमेंट, तो वो कहेंगे भाई अगर आज मैं 4 कमरे के घर में रहता हूं तो कल मैं बंगले में शिफ्ट हो जाऊं, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। कोई कहेगा मेरे पास कार आ जाए, वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। कोई कहेगा मैं बहुत रिच हो जाऊं, वो मेरे लिए डेवलपमेंट है। समझ रहे हो डेवलपमेंट क्या है? क्या है डेवलपमेंट? कुछ नहीं है डेवलपमेंट, कुछ नहीं है। चलो सीरियस होके बात करते हैं बच्चों। डेवलपमेंट को हम सक्सेस रेट में देखते हैं, ठीक है। हम कितने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ समय के साथ, इसे हम ग्रोथ या डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ एक चीज हो गई जो फिजिकली भी होती है, जैसे आज हमारी हाइट इतनी है, कल इतनी 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 हो गई, वो ग्रोथ हो गई। लेकिन अगर हम ग्रोथ दूसरे टर्म में बात करें कि हमारा जीवन कैसा जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट हो जाएगा। जब हम लाइफ के बेसिस पर ये देखेंगे कि आज हम यहाँ हैं तो कल हम कहाँ होंगे, या अगर हम आज यहाँ खड़े हैं तो कल हम क्या पीछे थे, अगर हम उससे आगे खड़े हैं तो वो हम डेवलपमेंट पे खड़े हैं, और अगर हम वहीं खड़े हैं या पीछे आ गए तो हम कहेंगे कि हम डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारी इमोशन से, ये हमारे लाइफ की आर्थिक स्थितियों से भी जुड़ा हुआ होता है। ये एक ऐसी चीज है। अब चैप्टर कहता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, क्या है? तो मैं कहूं सक्सेस रेट है, ठीक है, सक्सेस रेट है भाई। मैं कितनी कामयाब हो रही हूं मेरी लाइफ में, ये मेरे लिए डेवलपमेंट है। मैं कितनी आगे बढ़ रही हूं, मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूं कि डेवलपमेंट मेरे लिए क्या हुआ, क्या हुआ, गोल, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर मैंने, मेरा कोई गोल था, कोई एम था, अगर मैंने वो अचीव कर लिया तो मैं डेवलप हो गई। भाई मुझे 95% मार्क्स लाने थे, मुझे 99 लाने थे, मैं ले आई तो मैं डेवलप हो गई, ठीक है। आप क्या कहोगे, फेल हो गए अगर 10th में तो क्या डेवलप हो जाओगे? नहीं होगे, है ना भाई। तो डेवलपमेंट यानी कि, अच्छा अपने दिमाग से सोचो, यानी कि डेवलपमेंट, डिफरेंट persons can have different developmental goal, यानी कि development हर आदमी के लिए अलग होता है। development की कोई एक definition नहीं हो सकती। class 10 development हर इंसान के लिए अलग होता है। मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा। आपकी NCERT में टेबल बनी है, किताब खोलोगे तो मिलेगी। वो टेबल कहती है, जहां पे एक साइड पे लिखा हुआ है category of people, दूसरे साइड पे लिखा हुआ है भरो कि इस आदमी के लिए development क्या होगा। तो वहीं से एक परिभाषा ब्लैक बोल्ड लेटर में आपके एनसीईआरटी में आएगी, डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी कि हर आदमी का डेवलपमेंटल गोल अलग होगा, हर आदमी का लक्ष्य अलग है, जीवन में उसकी इच्छाएं अलग है, उसके लिए खुशी की डेफिनेशन अलग है, उसके लिए सेटिस्फेक्शन अलग है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है मेरी बातें। देखो, अब लैंडलेस लेबर है, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। लैंडलेस लेबर है, गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है भाई बच्चों, तो आई एम स्वेटिंग। चलो भाई, लैंडलेस लेबर है, यानी कि एक ऐसा आदमी है जो मजदूरी करता है, उसके पास जमीन नहीं है अपनी,
वो किसी और की जमीन पर मजदूरी करता है तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, बताओ, सोचो, कमेंट करते जाओ अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकती हूँ, वो भी सही हो सकता है। जितनी मल्टीपल सोच उतना एनालिसिस, उतनी चीजें सही हो सकती है। हो सकता है आप सोच रहे हो भाई लैंडलेस लेबर है तो क्या मेरे लिए, तो अगर उसको मैं जमीन दे दूं तो वो डेवलपमेंट है, उसके पास उसका अपनी जमीन आ जाए काम करने के लिए वो डेवलपमेंट है, आपको खाना मिल जाए तो डेवलपमेंट है, कोई कहेगा घर मिल जाए तो डेवलपमेंट है, सब सही है। समझ में आ रहा है अपना डेवलपमेंट का डेफिनेशन, मुझे आज कमेंट करेंगे आप सब। ठीक है, ओन अ लैंड, ठीक है भाई, इनको अपनी लैंड मिल जाए इनके लिए डेवलपमेंट है। चलो ऐसे ही सेकंड मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताओ स्टूडेंट के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, ये तो आपको पता है भाई, अपनी अपनी परसेंटेज जो चाहिए वो लिख देना। ठीक है, चलो एक पीजेंट है, पुअर पीजेंट है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, पुअर पीजेंट के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, सोचो। चलो कोई आदमी रेंटेड हाउस में रहता है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, घर मिल जाए। समझ रहे हो, अपनी एनसीईआरटी की बुक में वो टेबल जो बनी हुई है उसको अपनी सोच के हिसाब से भरने की कोशिश करो आज। ठीक, मेरी बात सुन के देखो क्या दिमाग में विचार आ रहे हैं, उस टेबल को भर पा रहे हो, अगर नहीं भर पा रहे हो कल के लेक्चर में हम वो सबसे पहले एनसीईआरटी की टेबल फिल करेंगे। भर पा रहे हो तो सारे आंसर्स कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी सही है या गलत है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप चीज समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। हर आदमी के लिए डेवलपमेंट अलग होता है बच्चों, पुअर पीजेंट के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसका टैक्स माफ हो जाए, उससे किसी तरीके का टैक्स ना लिया जाए, सरकार उसको सब्सिडी दे दे कि भाई ये लो मैन्योर खरीद लेना, ये लो फर्टिलाइजर खरीद लेना, ये लो छूट, ठीक है लोन ले लो। किसानों के लिए ग्रीन कार्ड बनाया गया है, उनके लिए वही डेवलपमेंट है। हर आदमी का डेवलपमेंट की परिभाषा अपने हिसाब से अलग होती है। ठीक है, चलो अब जो थर्ड बात हमें इस चैप्टर से रिलेटेड करनी है वो ये है बच्चों की, इज इट सेम फॉर ऑल। तो क्या हमें समझ में आया कि सारी बातें करने के बाद कि डेवलपमेंट क्या सबके लिए सेम है, नहीं, नो। अब इससे एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है और वो बात ये है, कैन डेवलपमेंट बी डिस्ट्रक्टिव। डेवलपमेंट हम समझ रहे हैं एक अच्छी चीज जो हमें आज की स्थिति से कल और बेहतर बना रही है, क्या ऐसी चीज किसी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, किसी को बर्बाद कर सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है? हाँ हो सकती है, यस। अब आप सोचोगे मैम क्या बोल रही है, डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गया, हो सकता है। चलो अब मैं ये ऐसे नहीं समझाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी जितने बच्चों ने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया, पहले उन बच्चों के लिए एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। वहां हमने पढ़ा था सीडीएम यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो वर्कर था ना, इंडस्ट्रियल वर्कर, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो डर गया था कि इसी सीडीएम मूवमेंट में गांधी जी और कांग्रेस लीडर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें मुझे भी सपोर्ट करेंगे, तो यानी कि मेरी तो चलेगी नहीं, किसकी चलेगी, वो रिच है उनकी चलेगी। ये सोच के उन वर्कर ने सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका क्या मतलब हो गया, डेवलपमेंट तो एक था ना सीडीएम, उस टाइम देश के लिए डेवलपमेंट क्या था, आजाद हो जाना, गांधी जी ने उसके लिए सीडीएम लॉन्च किया। वो सीडीएम एक आदमी के लिए तो फायदेमंद था, वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट, और दूसरे आदमी के लिए वो बर्बादी थी, यानी कि वो थे वर्कर। इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे थे हमें छूट दे दो कि हम अपने हिसाब से बिजनेस करें, हमारा मन करेगा हम वर्कर को 2 रुपए देंगे, मन करेगा 10 रुपए देंगे, मन करेगा 12 घंटे काम कराएंगे, मन करेगा 8 घंटे काम कराएंगे। वर्कर की वहां अपनी अलग शिकायतें थी उनसे, तो जब मैं एक आदमी को सपोर्ट कर रही हूं तो दूसरा आदमी मेरे पास तक नहीं आएगा, समझ रहे हो। चलो अब जिसने नहीं देखे है अभी तक वो लेक्चर, हालांकि देख लेना क्योंकि ये चैप्टर इस बार भी बोर्ड से हटेगा नहीं, उनको मैं ऐसा समझाती हूँ डेवलपमेंट क्या है। देखो डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है, आपके स्कूल का जो मैनेजमेंट है यानी कि जो स्कूल चलाते हैं जो ओनर है, वो क्या चाहेंगे, मेरा स्कूल टॉप क्लास हो जाए, शहर में मुझसे बढ़िया कोई स्कूल ना हो, हमारे स्कूल से बढ़िया कोई स्कूल ना हो। उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा क्लास भी देंगे, नहीं ये बच्चा इसमें वीक है इसको एक्स्ट्रा क्लास दो, पर इसको स्ट्रॉन्ग करो, उसका बेस मजबूत कर दो।
अब ये सोचो उनके लिए तो वो डेवलपमेंट है क्योंकि वो बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा पहले स्कूल आया, 2 बजे तक स्कूल के लेक्चर अटेंड किए, उसके बाद वो बच्चा बेचारा 2 घंटे के एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा है, फिर वो ट्यूशन भी जा रहा है, फिर वो होमवर्क भी करेगा, फिर सुबह उठ के वो फिर से स्कूल आएगा। ठीक है, स्कूल के लिए तो ये डेवलपमेंट है, बच्चे के लिए डेवलपमेंट है? आपके लिए क्या वो एक्स्ट्रा क्लास डेवलपमेंट है? जरूरी नहीं है। हो सकता है आप वो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने के बाद इतने परेशान हो जाओ, शैटर्ड हो जाओ, मैम मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो थक गया हूं, मैं क्या पढ़ूंगा, मुझ में तो जान ही नहीं है, कम से कम मुझे घर भेजो, खाना खिलाओ, है ना भाई, घूमने फिरने भेजो, मूवी दिखाओ, उसके बाद बुला लेना, एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैं आ जाऊंगा। फिर मैं, नहीं भाई घर गए तो माँ बाप ने कहा ट्यूशन भी जाओ, ट्यूशन से आ गए, ट्यूशन वाले ने कहा ये होमवर्क करके लाना, मैम ने कहा ये होमवर्क करके लाना, तो बच्चा क्या है, उस साइकिल में फंस गया। तो क्या वो उसके लिए डेवलपमेंट है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है उसके लिए। वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, हो सकता है वो दिमाग से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो पढ़ना ही छोड़ दे, उसको पढ़ाई बुरी लगने लगे। तो स्कूल भी गया, ट्यूशन भी गया, एक्स्ट्रा क्लास भी गई। ऐसे एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट की परिभाषा है, कभी कभी वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको इसी रेफरेंस में, बच्चों पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अब ये सोचो बीजेपी रूल कर रही है, ठीक, अभी बीजेपी कुछ अच्छा काम कर रहे भारत के लिए, तो क्या कांग्रेस अपोज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसका अच्छा काम कांग्रेस के लिए डेवलपमेंट है? नहीं है। कांग्रेस कब डेवलप देखेगी खुद को? कांग्रेस का डेवलपमेंट कब होगा? जब बीजेपी की बुराई होगी, लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, अगली बार बीजेपी आएगी नहीं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से एक ही काम, एक के लिए तो डेवलपमेंट हो सकता है पर दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये बात है कि इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। तो यस, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। वन मार्क क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर से, क्लास 10 बोर्ड में। अब डेवलपमेंट किस पे बेस होता है? चलो इतनी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करेंगे डेवलपमेंट का बुनियाद क्या है, किस चीज पर खड़ा होगा। अगर मैं आपसे कहूं हम सबका डेवलपमेंट किस चीज पर बेस्ड है, तो आप क्या कहोगे, किस चीज पर डेवलपमेंट बेस्ड है? डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन इनकम, इज इट सो? भाई हम रिच कब होंगे? जब हम पैसा कमाएंगे। तो बड़ा घर डेवलपमेंट है, गाड़ी डेवलपमेंट है, फार्म हाउस डेवलपमेंट है, लग्जरी डेवलपमेंट है, और इन सब की बुनियाद है इनकम, पैसा। तो क्या सिर्फ इनकम डेवलपमेंट है? एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी यूनिफॉर्म, एक अच्छे कपड़े, लग्जरियस लाइफ, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, बाइक्स, क्या ये सब डेवलपमेंट है? हो सकता है भाई किसी के लिए डेवलपमेंट, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है? पैसा। जितना आप पे इनकम होगा उतना ही आप डेवलप देखोगे खुद को, ठीक है? हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, नॉट ओनली इनकम। डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं आता है। क्लास 10th ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि क्या डेवलपमेंट का आधार सिर्फ इनकम है? तो नहीं, आंसर इज स्ट्रिक्टली नो, नो, नो। ओनली इनकम डेवलपमेंट नहीं है, इनकम डेवलपमेंट है पर ओनली इनकम डेवलपमेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूं। तो क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की प्रॉपर परिभाषा है कि इट इज मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब अगर मुझ पे बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, मान लो कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूं, लेकिन मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, मेरे को स्कूल नहीं मिल रहा पढ़ के जाने के लिए, गांव के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है जहां मैं रहती हूँ, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जहां से मैं कुछ खरीद पाऊं, कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहां जाके मैं पैसा खर्च कर पाऊं, तो क्या कोई, मान लो हॉस्पिटल ही नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन मैं मर रही हूं पर हॉस्पिटल नहीं है तो जा नहीं सकती, तो क्या पैसा मेरे लिए डेवलपमेंट ले पाएगा? नहीं। इसका मतलब मेरे पास सिक्योरिटी होना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, मेरे पास फ्रीडम होना चाहिए। क्या जब हम लोग ब्रिटिशर्स के राज में लड़ रहे थे तो रिच लोग नहीं थे? थे, फिर भी वो खुद को डेवलपमेंट नहीं देखते थे, फिर भी खुद को फ्री नहीं मानते थे, क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के राज के अंडर काम कर रहे थे। तो इसलिए ये कुल मिला के देखा गया कि डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से नहीं आता, डेवलपमेंट एजुकेशन से आता है, डेवलपमेंट हेल्थ से आता है, डेवलपमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है, डेवलपमेंट डिग्निटी से आता है, एजुकेशन से आता है, अपॉर्चुनिटी से आता है। ये आप सब ध्यान में रखेंगे, मैं लिख दे रही हूँ ये सारी चीजें, ठीक है भाई। अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यानी कि अवसर होना चाहिए कुछ करने का,
पैसा खर्च करने की जगह भी तो होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए आपके पास, फूड होना चाहिए आपके पास, ठीक। चलो फूड तो हेल्थ से ही आ जाएगा, एजुकेशन होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट। क्लास 9 में पढ़कर आए थे काले गोरे का भेद सिविक्स में, तो क्या वो डेवलपमेंट था? ब्लैक चाहे कितना भी रिच हो पर वो ब्लैक है, उसकी कोई चली नहीं रही है, गुलाम है वो, परेशान है वो, उसको कोई फ्रीडम नहीं है, उसको नीचा माना जा रहा है, डेमोन माना जा रहा है, तो क्या वो डेवलप फील करेगा खुद को? नहीं। तो मनी अलोन कैन नॉट डिसाइड योर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट भी आता है, फ्रीडम भी आता है बच्चों, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट अपने साथ मिक्स ऑफ गोल्स लाता है, ये ध्यान रखना। ये जो मिक्स ऑफ गोल्स हैं ये यहाँ लिखे हुए हैं मेरे, ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो मिक्स ऑफ गोल्स हैं, और मिक्स ऑफ गोल्स में सिर्फ पैसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हमने कुल मिला के डिस्कस कर लिया डेवलपमेंट की सारी चीजें। डेवलपमेंट क्या है, क्या सबके लिए सेम है, डिस्ट्रक्टिव कहाँ है, सक्सेसफुल कहाँ है, मिक्स ऑफ गोल्स क्या होते हैं। तो बट ये याद रखिएगा, एक लाइन 1 मार्क में आती है, डेवलपमेंट इज मिक्स ऑफ गोल्स, एक्सप्लेन दिस। तो भाई एक्सप्लेनेशन उसका यहाँ था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गए, पर अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, पर्सनली भी पूछ सकते हैं अगर आप सब मुझसे अप्रोचेबल हैं तो। बहुत सारे बच्चे अप्रोचेबल हैं, वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी, बाकी सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट सॉल्व करवा लीजिए उसको, ठीक है। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय। ऑल्सो संडे हम मिल रहे हैं लाइव क्लास में, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। दोपहर 2 बजे लाइव क्लास होगी, इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आपकी कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, फेस टू फेस पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।